अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद उजैर, मेरे साथ मौजूद हैं मैं तस्नीम, आप लोग सब कैसे हैं? ठीक ठाक? सब सेट। अच्छा, हम इस वक्त लाइव आप तमाम लोगों के साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब फारूक सत्तार साहब कल इंशाल्लाह, क्योंकि आज कुछ इमरजेंसी थी, वो नहीं आ सके, और कल इंशाल्लाह 11 बजे वो हमें ज्वाइन करेंगे। जी हाँ, लेकिन सिलसिला तो चलना ही चाहिए, तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बड़ी कमाल की, बड़ी अच्छी एजुकेशनिस्ट, वो हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगी और हमें बहुत कुछ अच्छा बताएंगी, उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। तो तस्नीम, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। इनका नाम सरवत है और ये सॉरी, बहुत आई थिंक अराउंड ओवर 6 7 7 8 years आई थिंक से शी इज वर्किंग विद छोटे बच्चे, प्री स्कूल टीचर। शी इज अ वेरी क्लोज कॉलीग और बहुत एक्सपीरियंस्ड है। और आई थिंक इन इस लॉकडाउन के दौरान जो एजुकेशन में मसले आ रहे हैं, स्पेशली प्री स्कूलर्स जो छोटे एज 1.5 से लेके 5 6 years के एज के बच्चों के साथ, तो उसके बारे में इनसे बेहतर मुझे लगता है कि कोई और इस वक्त गाइड नहीं कर सकेगा हमें। तो आज के शो का मकसद सिर्फ ये है कि थोड़ा बहुत एजुकेशन पे भी हम नज़र डाल दें ठीक है, और देखें कि तो बहुत जरूरत है कि एजुकेशन पे बात हो, और एजुकेशन पे बात होनी चाहिए। जैसे कि कल हमने प्लान किया था कि हम नेक्स्ट वीक तमाम उन एजुकेशनिस्ट को जमा करेंगे, और एजुकेशन के हवाले से क्या काम हो रहा है, और एजुकेशन के हवाले से और मजीद क्या काम होने जा रहा है, तो ये तमाम चीजें हम जानेंगे। आज हमने आपके साथ एक गेस्ट को शामिल किया, जी उनका नाम है सरवत अहमद, बहुत कमाल की एजुकेशनिस्ट है, उनसे बात करेंगे। आप तमाम लोग सवाल पूछ सकते हैं, जी हाँ, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, वो बिल्कुल आपको जवाब देंगी। तो अब हम हमारी गेस्ट को वेलकम करते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा जनाब सरवत अहमद साहिबा, सलाम वालेकुम। वालेकुम हाय सरवत, हाय, हाउ आर यू? असलाम, कैसी हैं सरवत, आप बताएं, और क्या चल रहा है जिंदगी में? बस ठीक ठाक, सब कुछ चल ही रहा है। क्वारंटीन जबरदस्त में भी सब चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही है, घर भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। जबरदस्त। तो पहले तो बहुत बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने बड़े शॉर्ट नोटिस में हमें ज्वाइन किया, और नहीं, बहुत थैंक बहुत यू, शुक्रगुजार हैं इसके लिए, बहुत 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 मेहरबानी। तो कुछ नो सवालात नो, का आई एम सिलसिला वेरी चलेगा, हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। जजाकल्ला। तो कुछ सवालात का सिलसिला चलेगा, तस्नीम आपसे कुछ सवाल पूछेंगी, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक हमारी है, ऑडियंस जो इस वक्त हमें देख रही है, और थोड़ी देर में और मजीद लोग ज्वाइन करेंगे, वो तमाम लोग कुछ ना कुछ पूछना चाहेंगे, तो बिल्कुल ठीक साथ है, रहिएगा हमारे। तो तस्नीम प्लीज। हमारे साथ श्योर, लोगों ने तो अब आना शुरू कर दिया है। सरबत, मुझे या पहले बताओ कि व्हाट एज ग्रुप, कौन सी एज ग्रुप को के साथ आप डील कर अभी कर रही हो और करती, मतलब व्हाट इज योर स्पेशलिटी, व्हाट एज ग्रुप डू यू स्पेसिफाई? मैं आई हैव ऑलवेज बीन विथ प्री स्कूल चिल्ड्रन, एंड आई स्टार्टेड ऑफ विथ द एज ऑफ 1.5 to 2.5, एंड नाउ सिंस अबाउट 2 years मैं 2.5 से 3.5 के बच्चों को पढ़ा रही, बट आई हैव बीन इन अ प्री स्कूल ओनली ऑल दीज तो ईयर्स। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को ये लगता है कि इतने छोटे बच्चों को स्कूल क्या भेजने की जरूरत है, और स्पेशली जो बड़ी उम्र के होते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी हो, जो वो डिस्करेज करते हैं कि अभी तो मतलब खेलने कूदने की उम्र है। तो उसपे जी मुझे जरा सा ये अगर आप लोगों को बता सको कि डू यू थिंक, बिकॉज इतने साल से कर रही हो, तो ये जो बच्चे आते हैं इस एज पे, उनमें और वो जो थोड़ा लेट स्कूल स्टार्ट करते हैं, उसको अगर कंपेयर करो तो बेहतर क्या है? सी मैं हमेशा ये ऐड करती हूँ, और ये मैं दोबारा कहना चाहूंगी, शुरू इससे करना चाहूंगी कि इसीलिए नहीं कि मैं खुद एक प्री स्कूल की टीचर हूँ और मैं सबसे छोटे बच्चों को और उससे अब थोड़े बड़े बच्चों को पढ़ाती आई हूँ, तो मैं इस फैक्ट का साइड ले रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने खुद अपनी बेटी को तब प्री स्कूल में डाला था जब वो 1 साल 8 महीने की थी। सो आई देन थॉट दैट मे बी अगर 1 साल 8 महीने की बजाय मैं इसको 2 साल या सवा 2 साल में भी डालती तो इट वुडेंट हैव मेड मच ऑफ अ डिफरेंस। बट देन लेटर ऑन मैंने ये रियलाइज किया कि बच्चा बच्चे में महीनों के हिसाब से भी उसकी मेंटल कैपेबिलिटी में और अंडरस्टैंडिंग में और ग्रोथ में बहुत फर्क आता है। सो द सूनर द बेटर। वो आई अग्री के माँ बाप बोलते हैं, मदर्स आती हैं बहुत ही प्रॉब्लम लेकर के, मेरे घर में सब कह रहे हैं कि बच्चे पे जुल्म कर दिया। दिस इज नॉट एक्चुअली जुल्म, यू नो, बच्चा जो अर्ली एजेस में सीखता है, यू नो, फ्रॉम व्हेन यू आर बॉर्न, द फर्स्ट 5 years ऑफ योर लाइफ इज व्हाट यू बिकम। तो आप जो सीखते हो वो पहले 5 साल में ही सीखते हो, एंड दैट इज
वॉट यू आर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. यू नो एक बहुत बड़ा चंक ऑफ परसेंटेज इस चीज का है एंड दैट्स अ फैक्ट. सो द अर्लियर द बेटर. बच्चे सेटल होते हैं, बच्ची नई चीजें कैच करते हैं, सीखते हैं, यू नो लोगों में उठना बैठना सीखते हैं, टाइम की पाबंदी आ जाती है, यू नो, और लर्निंग तो साथ साथ होती रहती है. ये भी एक बहुत बड़ा हमारा ड्रॉबैक है कि सब समझते हैं कि आप इतने छोटे बच्चों को क्या पढ़ाते हैं. वेयर एज देयर इज अ लॉट दैट चिल्ड्रन लर्न. सो यू नो इट इज ऑलवेज द सूनर इज मच बेटर. इफ आई वुड हैव अ चांस एवरी टाइम आई वुड पुट माई चाइल्ड. आई थिंक 2 साल इज द एज वेयर अ चाइल्ड हैज टू गो टू स्कूल. उम्र के हिसाब से बच्चों के टाइमिंग्स होते हैं, उनका करिकुलम होता है, उनकी एक्टिविटीज होती हैं. कोई जुल्म नहीं होता बच्चों पे, दे एंड अप लर्निंग. एंड आप यकीन करें, ऑल दीज इयर्स दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, यू नो 6 months डाउन द लाइन हम अपना ग्रैंड पेरेंट्स डे रखते हैं इन द सेकेंड टर्म, एंड द पेरेंट्स आर एंड द ग्रैंड पेरेंट्स आर इन एन अनबिलीवेबल स्टेट. वो लोग इतने खुश होते हैं वो चेंज देख कर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन में, दैट यू नो दे जस्ट डोंट बिलीव इट. तो ये जाहिर है, देन दे गिव क्रेडिट टू द स्कूल कि कितना जरूरी है एक बच्चे को द अर्लीस्ट द बेटर एक रूटीन में आना. सरवत मुझे पहले ये बताओ कि राइट नाउ एट प्रेजेंट व्हिच स्कूल आर यू टीचिंग एट? आई एम एट किंडर एकेडमी. इट्स अ प्री स्कूल एट क्लिफ्टन एंड इट केटर्स टू चिल्ड्रन फ्रॉम 1.5 इयर्स एंड अबव. एंड एट प्रेजेंट वी आर टिल ग्रेड 3, बट as my interest and my forte is the preschool, so you know I am loving that place. It's a very good place. अच्छा सरवत, बहुत से लोग सलाम कह रहे हैं, बहुत से लोगों ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है और बहुत से लोग हाय अस्सलाम वालेकुम करेंगे. तो जी महनाज रहमतुल्लाह कह रही, माय डॉटर वेंट टू डे केयर हैप्पीली एट एज ऑफ 1.5 एंड दैट रियली हेल्प्ड हर थ्रू आउट हर स्कूल ईयर, नाउ स्टडीइंग एट अल्बर्टा यूनिवर्सिटी. तो ये कहने में आता है कि बच्चा अगर 2 साल का होता है जिसको स्कूल में दाखिल कर दिया जाता है, तो कहने में ये आता है कि माँ बाप अपनी जान छुड़ा रहे हैं, उन्होंने बस बच्चे को घर से निकाल दिया है कि बस बच्चा पैदा हो गया, बच्चे की जो जिम्मेदारी है वो पूरी ना करनी है और नहीं नहीं करनी बेसिकली, तो बस अब बच्चे को स्कूल में डालो. तो ये आप खाली एक तमाम लोगों को मैसेज दे दें जो जो सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे, कि ये गलत एक माइंड सेट है कि माँ बाप जितनी जल्दी बच्चे को स्कूल में दाखिल करेंगे वो कुछ ना कुछ सीखेगा और अच्छा आगे पॉलिश ही होगा, तो इसके बारे में क्या कहना? बिल्कुल नहीं नहीं आई फील जो ये तो थोड़ा बहुत परसेंटेज उन लोगों का है जो ये समझते हैं दैट बच्चे को स्कूल में डालकर एक उसकी लाइफ में एक रूटीन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है. मैं उनको यही कहूंगी कि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट कर सकें, समझा सकें, उनको जरूर समझाएं एंड नेवर गिव अप ऑन दिस थॉट, यू नो बिकॉज दिस इज अ फैक्ट. ये लोग नहीं समझते हैं, जाहिर है तनकीद तो हर कोई करता है, यू नो सो तो जो बेचारे पेरेंट्स जो हैं ये भला कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, उनको भी तनकीद का शिकार निशाना बनाया जाता है. तो बट मैं ये कहूंगी दैट डोंट लूज होप, जितना आप एजुकेट कर सकें दूसरे लोगों को जरूर करें. आई फील सूनर और लेटर आप ही के बच्चे को देख कर हो सकता है कि वो ये चीज रियलाइज करें कि हाँ इन्होंने सही किया. आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल व्हेन आई वाज 2 इयर्स, यू नो, एंड एट दैट टाइम जब मेरी अम्मी ने मुझे बताया, आई ग्रू अप एंड देन ड्यूरिंग माय कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइफ शी यूज्ड टू टेल मी, सो मैंने उनको कहा, मैंने कहा रियली मतलब 2 इयर्स, आर यू सीरियस, कौन सा स्कूल लेता था उस वक्त? तो शी सेड दैट नो देयर वाज अ स्कूल एंड इन फैक्ट देयर वाज अ स्कूल एट गुलशन अ मॉन्टेसोरी. I was 2 years when I started going and I really don't think there was anything wrong. You know, and bilkul bhejna chahiye aur zyada se zyada logon ko educate karna chahiye, samjhana chahiye. To ye mindset kahan se ban gaya ke bachchon ko school mein bas early age mein dal dete hain jo wo maa baap apni jaan chhoda rahe hain, to ye kahan se build up ho gaya? Kya ye sirf hamare Pakistan mein hai ya kahin bahar bhi mumalik mein ye cheez dekhne mein aati hai? See, बाहर तो ऐसा है that you know they feel that children should not go to school before the age of 4. If I'm not wrong, yeah, it's 3.5-4 years. 5 years. Yeah, 5 years. Yeah, in fact, yes. But then आप अगर ये देखें कि ठीक है उनकी जो भी belief system है, जो भी उनके environmental issues हैं, societal issues हैं, जो भी है, यहाँ पर मैं ये कहती हूँ कि जितने बच्चे भी school गए हैं, 1.8 से गए हैं, 1.5 से गए हैं, 5 years, 4 years, 2 years, 1 year down the line, अगर आप देखें तो कभी किसी पेरेंट ने, आजकल माशाल्लाह सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, निकल के ये कभी भी नहीं बोला कि हमें कोई घाटे का सौदा हो गया. आई एम श्योर एवरी पेरेंट हु हैज पुट इन देयर चाइल्ड इज हैप्पी. हमारे पास जो बच्चे आते हैं
मैं 2.5 साल के बच्चों को पढ़ाती हूँ, सो इवन पेरेंट्स फील 2.5 साल भी बहुत जल्दी है. सो आई टेल देम दैट नो इट्स लेट, लेकिन अभी 2.5 साल के बाद तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, दैट इज मैं तो बिल्कुल नहीं इमेजिन कर सकती. आई फील 2.5 साल इज द मैक्सिमम लिमिट दैट यू हैव टू पुट योर चाइल्ड इन, और जो भी तनकीद करता है आई फील यू मस्ट एजुकेट देम. अच्छा, मुझे सर इसी बात को ऐड ऑन करने के लिए अग्री करती हूँ, तो जस्ट से यू अग्री कि लोगों को ये लगता है कि इतने छोटे बच्चों को आप क्या पढ़ाते हो, घर में ही सीख लेते हो, और बच्चे सीख लेते हैं घर में बेसिक आपके नंबर्स कलर वगैरह पेरेंट्स सिखा सकते हैं, बट बिकॉज अब हमारी एक तो लोकल एजुकेशन सिस्टम है जो आपका मेट्रिक सिस्टम है या जो सिंध बोर्ड है, और देन आपका केंद्रीय बोर्ड है जो ओ लेवल ए लेवल की तरफ बच्चे जाते हैं, तो स्पेशली जी अभी के जो बच्चे ओ लेवल्स या ए लेवल्स की तरफ केमिकल सिस्टम की तरफ जाएंगे फ्यूचर में, उनके लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है टू स्टार्ट एट एन अर्ली एज, बिकॉज उधर तो कोई उर्दू में एग्जाम देने का या पढ़ाई करने का ऑप्शन नहीं होता, राइट? तो नहीं आपको होता, बिल्कुल कमांड ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, और वो एक्सपोजर बिल्कुल फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हर घर में नहीं है, मतलब आपकी मदर टंग उर्दू नहीं. है या आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज होगी तो हिंदी बोलते हैं, तो अंग्रेजी हर घर में नहीं बोली जाती, तो नहीं स्कूल, बोली जाती, बिल्कुल आई नो फॉर अ फैक्ट इतने साल हो गए कि जो लैंग्वेज जो है वो सिर्फ सीखी नहीं जाती, वो अक्वायर की जाती है अपने एनवायरमेंट से सुनने, अक्वायर तो की जाती, वो जितना बिल्कुल जल्दी बच्चा इस एनवायरमेंट में जाएगा तो वो उतनी जल्दी अक्वायर कर लेगा, एंड आई बिलीव बिल्कुल बिल्कुल बाहर के मुल्कों में ESL जिसको बोलते हैं इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज इशू इसलिए नहीं होता, अगर इफ यू टेक यूके और द यूएस और इवन अदर ऑस्ट्रेलिया, या तो उनकी बेसिक लैंग्वेज मींस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो अंग्रेजी होता है, वो हर तरफ से होता है, अंग्रेजी, बिल्कुल इससे भी बिल्कुल उनको कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, राइट? तो ये जरा सा इफ यू कैन कि ESL कितना बड़ा इशू है और ये कैसे अर्ली ईयर हेल्प करता है, तो इफ यू कुड जस्ट क्विकली reinforce what I said कि the English as a second language का जो problem सी है. या हाँ, यू नो व्हाट आई टेल यू, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ये इस वजह से कि उनको वो वाला फर्स्ट स्टेप जो हमें क्रॉस करना होता है, वो लोग दूसरे ममालिक में वो स्टेप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके होते हैं, बिकॉज एवरी थिंग दैट वी स्टडी इज इन इंग्लिश, एवरी थिंग दैट दे स्टडी इज ऑल्सो इन इंग्लिश. हमें तो स्टेप वन ही क्रॉस करना होता है, विच इज लर्निंग द लैंग्वेज, नोइंग दैट इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, देन लर्निंग इट, देन अक्वायरिंग इट, यू नो इट, टू अंडरस्टैंड दैट ओके दिस इज अ लैंग्वेज. उर्दू में तो बच्चे बहुत फ्लुएंट होते हैं, हुएवर कम्स टू मी ऑल दीज ईयर्स, हुएवर हैज कम टू मी, आप यकीन करें आई हैव हैड अ लॉट ऑफ एक्सपैट्स ऑल्सो, आई हैव गॉट, आई हैड रशियन, चाइनीज, जैपनीज, फ्रेंच, वो अपनी जबान के मामले में बहुत पक्के होते थे. यू नो इंग्लिश नहीं आती थी उनके बच्चों को, उनको शुरू में सेटल करने में भी मैं उनसे पूछती थी कि यू नो जो जरूरी बच्चे को थोड़ा काम डाउन करने के लिए जो भी जुमले होते हैं मैं उनकी जबान में लिखती थी कि यू नो व्हेन वर्स कम्स वर्स आई आई विल यूज दिस सेंटेंस टू काम द चाइल्ड डाउन, और बच्चा हो जाता था बिकॉज वो उसकी मादरी जबान होती थी, बी इट चाइनीज, बी इट जैपनीज, बी इट फ्रेंच. बट देन हमको ज्यादा मुश्किल इसीलिए होती है, और हमें जल्दी स्टार्ट करने का आई थिंक इन अ वे एक लाइसेंस मिला हुआ है दैट वी हैव टू लर्न द लैंग्वेज फर्स्ट, यू नो टू बी एबल टू स्टेप ऑन टूवर्ड्स स्टेप टू. हमें स्टेप वन क्रॉस करना ज्यादा जरूरी होता है, विच इज अक्वायरिंग द लैंग्वेज, यू नो, एंड देन यू जस्ट कांट सिंपली लर्न इंग्लिश जस्ट टू लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड टू अक्वायर, यू नो. सो इसीलिए भी हमें तो बहुत जल्दी जाना होता है, आपको सोचना भी एक जबान में, क्योंकि हमारे बच्चों को ये मसला बिल्कुल. कि जो भी जबान पे उनको महारत है या उभूर है, उर्दू हो चाहे व्हाटएवर, तो पहले सोचते उस जबान में है, फिर उसको प्रोसेस करते बिल्कुल वापस से टू ट्रांसलेट इट एंड देन टू स्पीक इट इन द व्हाटएवर अंग्रेजी या व्हाटएवर लैंग्वेज यू एक्सपेक्टिंग, या तो टाइम बहुत लग जाता है. और बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल व्हाई डू यू थिंक कि मतलब अच्छा कुछ फैमिली ऐसी है जहाँ पे पेरेंट्स हैं एजुकेटेड हैं प्रोग्रेसिव हैं, वो अंग्रेजी में बात करते हैं, फिर भी बच्चों को अंग्रेजी बोलने में प्रॉब्लम होती है, आपको क्या लगता है फैमिली स्ट्रक्चर जो हमारे सोसाइटी का है वो कितना मैटर करता है, और व्हाई डू यू थिंक ये बच्चे नहीं फ्लुएंटली अंग्रेजी में सोच या बोल सी पाते हैं? फैमिली, हाँ फैमिली स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी, इसलिए कि द क्वालिटी टाइम दैट वन शुड स्पेंड विद द चाइल्ड वो हमारी सोसाइटी में बहुत लैकिंग है.
माँ बाप पढ़े लिखे हैं, यू नो द पेरेंट्स आर वर्किंग, मोस्टली द चिल्ड्रन हियर आर ऑन डोमेस्टिक हेल्प, मेड्स होती हैं बच्चों के लिए. सो फॉर अ फैक्ट आई नो कि कुछ लोग तो ये भी प्रेफर करते हैं दैट इफ वी कीप अ मेड, मेड को इंग्लिश आनी चाहिए. बट देन यू नो वो बात तो नहीं होती जो माँ बाप अपने बच्चे से डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं, दे स्पेंड गुड टाइम टुगेदर विथ ईच अदर, यू नो वो चीज नहीं आती. इवन इफ द पेरेंट्स नो इंग्लिश, आई फील इट डज नॉट रियली मेक अ डिफरेंस टू द चाइल्ड, इज बिकॉज इफ अ चाइल्ड नोज इंग्लिश, जस्ट नोज फॉर द हेक ऑफ नोइंग इंग्लिश. यू नो वो बच्चे में वो समझने की और समझने के बाद वो आउटपुट देने की सलाहियत जो है वो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट से आती है, और वो प्रॉपर एनवायरनमेंट एक बच्चे को स्कूल के अलावा आई फील नहीं मिल सकता. बिकॉज यू नो जितने ठहराव से हम बात करते हैं बच्चों के साथ, वी यूज ईच एंड एवरी वर्ड सेपरेटली क्लियरली फॉर देम टू अंडरस्टैंड, एंड देन वी मेक इट अ पॉइंट दैट अगर बच्चा उर्दू में बोल भी रहा है, यू नो थोड़ा सा उसको कंसोल करने के लिए, उसको कंफर्ट देने के लिए हमें कभी कभार बोलनी पड़ती है उर्दू. बट देन यू नो वंस व्हेन यू गेट इन द ग्रूव, देन आप फिर बोलते हो बच्चे को दैट नो यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. एंड अ फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन आई फील दैट बच्चे एफर्ट करते हैं, दे थिंक इन इंग्लिश एंड देन यू नो दे से व्हाट एवर दे वांट टू से. और फैमिली स्ट्रक्चर भी मैटर करता है, बिकॉज बहुत मैटर अगर करता है. पेरेंट्स अगर बोल भी रहे हैं तो अगर जो जॉइंट फैमिली सेटअप में रहते हैं या जहाँ नाना नानी दादा दादी जो उस जमाने के हैं जिनको नई एजुकेशन इतनी मिली या अंग्रेजी में ना मिल सके, या वो तो फिर अपनी जबान में बात करते हैं ना, चाहे वो गुजराती हो या सिंधी हो या बट मैं आपको एक व्हाटएवर. चीज ये बताऊं दैट इन दैट वे आई विल टेल यू वन, आई वुड लाइक टू गिव एवरीवन अ टिप. आई हैव हैड पेरेंट्स जो बहुत एम्बेरस्ड होते थे कि हमारे घर में सिंधी बोली जाती है, पश्तो बोली जाती है, यू नो लाइक द पीपल हु बिलोंग हियर. सो आई यूज टू टेल देम दैट इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड अगर आपकी मदर या मदर इन लॉ पश्तो बोल रही हैं, गुजराती बोल रही हैं, सिंधी बोल रही हैं. द ट्रिक विथ द चाइल्ड इज वन पर्सन वन लैंग्वेज. अगर ये एक फैक्ट हम समझ लें फॉर एवर, देन इट विल देन देर इज नो लुकिंग बैक. फिर बच्चे को लैंग्वेज बैरियर कभी भी नहीं होगा. वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि अगर नाना नानी या दादा दादी अगर कोई एक जबान में बात करते हैं तो फिर वो उसी जबान में बात करें, अगर फादर अगर बिल्कुल अंग्रेजी में बात करता है तो फिर वो कोशिश करे कि 90% वो बच्चे से अंग्रेजी में बात करे, या बिल्कुल तो बच्चे को बिल्कुल ऑटोमेटिक बटन होता है कि इनसे मुझे इस जबान में बात करनी है, इनसे मुझे इस जबान में बात करनी है. एंड इट इज ट्रू कि आप बच्चों को जितनी लैंग्वेज सिखाएं बाय द एज ऑफ 10 वो सीख लेते हैं. यू कैन पूरी रशियन सीख लेते हैं, बिल्कुल इंसाइक्लोपीडिया, लार्जेस्ट इंसाइक्लोपीडिया, बच्चा पूरी इंसाइक्लोपीडिया सीख सकता है उस एज के अंदर अगर आप उसको सिखाना चाहें तो. बड़ी कमाल की टिप, बिल्कुल बहुत अच्छी टिप दी. अच्छा सरवत, इसके साथ कुछ सवाल आए हुए, वो सवाल दे लेते हैं. पहला सवाल जो जवाब आप वापस दे चुकी हैं, वापस आपको देना पड़ेगा. एक सवाल आया मंत्र अभी कह रहे हैं बच्चे की नॉर्मल एज क्या है स्कूल भेजने की, जो बच्चे के लिए भी सही हो और पेरेंट्स के लिए भी. तो ये जवाब आप दे चुके हैं, एक बार फिर रिपीट कर दीजिए. मैं वैसे एक बात इधर ये मेंशन करना चाहूंगी कि पेरेंट्स के लिए तो कोई सही एज नहीं होती, यू नो टू टू सेंड अ चाइल्ड टू स्कूल, बिकॉज वो तो इमोशनल वैसे ही हो रहे होते हैं. एंड मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ टू द पेरेंट्स दैट आप लोग काम रहें, जस्ट स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, बिकॉज द नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम द पेरेंट्स वो बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है. सी आई वुड से द अर्लीस्ट द बेटर. हम तो लकी हैं कि हम ऐसे एनवायरमेंट में, ऐसी सोसाइटी में हैं जहाँ प्री स्कूल्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है. प्री स्कूल सालों से चलते चले आ रहे हैं, कोई नया ट्रेंड भी नहीं है. You know, and I have seen children flourishing. 2 साल is the maximum age a child should start going to school. वहाँ सब सहूलियात होती हैं, कोई मसला नहीं है अगर बच्चा पॉटी ट्रेन नहीं है. यू नो वहाँ हर स्कूल में नैनीज होती हैं. देन टीचर्स मोस्टली आई फील यू नो दे ऑल्सो हेल्प इफ इफ अ पेरेंट इज ट्राइंग टू यू नो बच्चे को पॉटी ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो तो वो स्कूल और घर पर दे वर्क हैंड इन हैंड. यू नो तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्री स्कूल एक पेरेंट का साथ ना दे करने में. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल प्री स्कूल्स. जैसे हमारे पास भी पेरेंट्स किंडर में आते हैं, यू नो एंड वो बहुत डरते डरते कहते हैं कि जी वो हम बच्चे को पैम्पर, तो मैं कहती हूँ दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. एक्सीडेंट्स विल हैपन, एवरीथिंग विल हैपन. हम हैं, आप हैं, जस्ट लेट अस नो व्हाट यू डू एट होम, वी आर गोइंग टू हेल्प यू डू द सेम. 2 years फॉर मी इज द मैक्सिमम एज अ चाइल्ड शुड स्टार्ट गोइंग टू स्कूल. एक और सवाल है यूसुफ मुनीर का, वो लें तो मैं लिंक जरा जनरेट कर. इज इट पॉसिबल टू स्किप 2 years एंड कंप्लीट स्टडीज टिल 8th क्लास
आई मीन टू से सेकंड एंड थर्ड क्लास स्टडीड कंबाइन एंड सिक्स एंड सेवन स्टडीड कंबाइन, मतलब वो ये कह रहे हैं कि 2 साल स्किप कर दे, मतलब अगर हम लोग उन्होंने सेकंड एंड थर्ड क्लास मतलब सेकंड ग्रेड 2 और 3 एक साथ की नहीं, और फिर 6 और 7 एक साथ की, सर बट डू यू थिंक ये वाइज है? नहीं, आई रियली डोंट थिंक सो, बिकॉज आप बच्चे की मेंटल कैपेसिटी केपेबिलिटी के हिसाब से जो भी स्कूल एक करिकुलम सेट करता है वो एक बच्चे की मेंटल ताकत के हिसाब से ही करता है, यू नो. सो दैट इज लाइक एक जबर करना होगा बच्चे के ऊपर, यू नो, दैट आप वो चीज सीखें, वो चीज करें जो अभी आपका मेंटल लेवल उस चीज की इजाजत नहीं देता, बिकॉज यू नो नॉट ऑल चिल्ड्रन आर गिफ्टेड. वो कोई वन इन अ मिलियन, अगर कोई गिफ्टेड हो तो वो अलग बात है. स्कोप एंड सीक्वेंस होता है ना हर हर सब्जेक्ट का, बिल्कुल ये बिल्कुल पूरा इसका स्कोप है और ये सीक्वेंस में चलेगा और वो प्रोग्रेशन में चलता है. कभी कभार हम तो बात करते हैं ना कि ए टू ए बी सी ही सिखानी है, तो पहले साल में भी ए बी सी सिखा रहे हैं आप, दूसरे में भी तीसरे में भी, लेकिन ए बी सी की भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं सिखाने के, बिल्कुल बिल्कुल और एग्जैक्टली जबान सिखाने का तरीका ही बदल गया, चाहे वो उर्दू हो या इंग्लिश हो, अब वो अल्फा लेटर के नामों से नहीं सिखाया जाता, उनकी आवाजों से, साउंड से, बिल्कुल बिल्कुल वो भी एक जी पूरी साउंड है. तो वो आप ऐसे स्किप ना कराएं बच्चों को तो बेहतर है, ये बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाता है, बिल्कुल सेट कट ऑफ एज होती है, मतलब 13 साल का बिल्कुल वो अप्रूव ही नहीं करती सीआई, क्योंकि उनको पता है कि ये एज अप्रोप्रिएट नहीं है, या नहीं है. एग्जैक्टली आज बच्चे बड़ा हो जाते एग्जैक्टली हो तो फिर चल जाते हैं, क्योंकि वो एक अंडरस्टैंड करेंगे कि शायद मेंटल उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी या रिपीट करे व्हाटएवर, लेकिन अंडर एज जी बच्चों को सीआईज नहीं देना अलाउड होता इंटरनेशनली, तो अलाउड होता, बिल्कुल बिल्कुल. साथ साथ एक और सवाल है, जनाब आमिर अरमान पूछ रहे हैं कि व्हाट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बी फॉलो इन पाकिस्तान. अब ये इनका क्वेश्चन थोड़ा अनक्लियर है, हाँ. मुझे नहीं पता ये स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं या बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करें. तो अगर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की बात करें तो उसके हवाले से क्या क्या? सी लाइक आई टोल्ड यू अ वाइल बैक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अगर हम प्री स्कूल को जहन में रखें, आई डोंट नो इफ ही इज टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द वे बिगिनिंग, इफ ही इज आस्किंग अबाउट प्री स्कूल, तो यू नो इन इन डिफरेंट कंट्रीज बच्चे तो स्कूल स्टार्ट ही नहीं करते बिफोर द एज ऑफ 4 और 5, बट देन जो हमारी रिसर्च है जो इतने सालों से चलता चला आ रहा है, तो हम जो भी करिकुलम सेट करते हैं या जो भी स्कूल जो भी प्री स्कूल जो करिकुलम सेट करता है वो एक बच्चे वो एज अप्रोप्रिएट होता है. सो वट एवर इफ यू कॉल इट एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और इफ यू कॉल इट मेडिकली आप एक स्टैंडर्ड की बात करें कि ये एज है, इस एज के हिसाब से बच्चा ये चीज सीख सकता है, उसकी इतनी कैपेसिटी है, यू नो अ लिटिल मोर और अ लिटिल लेस वुड डू. नहीं, उन्होंने रिपीट किया कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, तो मैं अगर मैं कमेंट कर दूं ओके, तो आमिर अरमान अगर आप जनरली ओवरऑल अगर तस्वीर समझने की कोशिश करें तो पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अनफॉर्चुनेटली यूके या यूएसए वाला स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ना है ना हो सकता है. तो हमारी जो बैटल है कि हमारी जो सिस्टम है या जो हमारा गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करता ही नहीं और कर ही नहीं करता है. और इसमें जो मैं हैट्स ऑफ करूंगी, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका रोल बहुत है, और कुछ और स्पेसिफिक एरियाज हैं जो अभी मैं नाम नहीं लेना चाह रही, वो थोड़ा स्नॉबिश साउंड करेगा, लेकिन उनकी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्यों बेहतर होती है, सिंपल से फॉर्मूला है कि आप जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा. तो जो अच्छे स्कूल होते हैं जो हम कहते हैं वो इतने महंगे हैं इतने हाई, वो इसलिए बेहतर होते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छे इलाके में है उनकी फीस ज्यादा है, फिर जो लोग आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए हायर किए जाते हैं ना वो लोग उस क्वालिटी का ह्यूमन रिसोर्स होता है, उनकी सैलरी ज्यादा देनी पड़ती है बिकॉज उस हर इंडिविजुअल ने इन्वेस्ट किया होता है इस काम को करने अच्छे से करने में. बाकी जो जनरली स्कूल हैं उसमें 90% टीचर ट्रेंड नहीं होती है, तो अच्छे स्कूलों का ये फायदा है कि ट्रेंड और क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स आपको मिलती है, तो वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन गेस्ट इंटरनेशनल काफी हद तक है. एंड आई कैन स्पीक दिस फॉर माई ओन स्कूल सर्वर स्कूल और भी 2-3 स्कूल, कि हम कहीं किसी इंटरनेशनल उससे पीछे नहीं है, बट वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स की हद तक. तो सरबत आप समझती हैं कि ये जो हमारी जो गवर्नमेंट है इसके हवाले से कुछ काम करेगी फ्यूचर में, आपको कोई चीज या कोई प्रोग्रेस होती नजर आ रही है या बस बिल्कुल ऐसे ही नील बटा सन्नाटा? नहीं, अभी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा. अभी तो हमारी गवर्नमेंट चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, अभी तो
हम फंड्स लेने के चक्करों में हैं सिर्फ, बट मैं ये नहीं कहती दैट वी आर नॉट केपेबल. हमारी कौम, हमारा मुल्क, आई थिंक वी कैन डू द इम्पॉसिबल. बट सिर्फ ये कि करने की अगर नीयत हो तो हम लोग इतने हार्ड वर्किंग हैं. अगर हम नीयत नीयत हो फिर इरादा हो तो हम जैसी, मेरे ख्याल है हमसे ज्यादा हार्ड वर्किंग कोई कौम नहीं है. मैं आपको बताऊं, आई हैव इंटेलिजेंट भी है जहीन पाकिस्तान, भी. या बहुत बहुत इंटेलिजेंट इंटरनेशनली. जब हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर की स्कूल में, वो एग्जैक्टली, बहुत मैं यही बोलने वाली थी. एक्सेल इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे बच्चे जहीन हैं और यही शुरू से पढ़ाई की तरफ जो रुझान है जिसको कहते हैं. तो योर राइट, नीयत साफ होनी चाहिए. हमारी ऑनेस्टी में खलल है, ईमानदारी में कमी है, वरना काबिलियत में एग्जैक्टली. कोई कोई कमी नहीं है. सर, एक वही. क्वेश्चन है कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स शुड अ गुड टीचर हैव. एक एक कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए एक अच्छी उस्ताद में, अच्छे उस्ताद में, एक जनरली अगर बता दो. फैसल मसूद मानी ने पूछा. सी, फॉर मी आई फील द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अ टीचर शुड हैव इज द जील, द इंटरेस्ट, द एंथुजियाज्म. इसीलिए कि सबसे पहले बच्चे की कोई भी एज हो वो वही कैच करता है. यू नो, अ गुड पर्सनैलिटी एंड यू हैव टू बी हैप्पी विथ वॉट यू आर डूइंग. यू नो, बाकी फिर आपकी जहानत, काबिलियत, आपका हार्ड वर्क. सी, पीपल लर्न अल्टीमेटली. तो लोग अगर एक्सपीरियंस ये सॉरी उस फील्ड में ट्रेंड नहीं भी होते हैं तो विद एक्सपीरियंस यू नो आप में वो चीज आ जाती है. एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट. लेकिन ये कि जब अंदर से आपके अंदर उस चीज के लिए एक एंथुजियाज्म ही नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. यू यू आप हैव टू हैव दैट वो थिंग इन साइड यू. लगन और वो चाहत, चाहत चाहत, होती है. और मैं इस बात बिल्कुल बिल्कुल. प्रोफेसर मसूद मानी, मैं ऐड ये कर दूंगी कि अच्छी उस्ताद, चाहे वो किसी भी उम्र को पढ़ा रहा हो बच्चे को या किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हो, आपकी ऑनेस्टी, मतलब आपके अपने काम से ईमानदारी, ईमानदार, आपके अंदर वो लगन, ईमानदार, आपके अंदर सब्र, टॉलरेंस, पेशेंस, और बहुत होना वो चाहिए. चीज कहते हैं ना, जैसे किसी चीज के ऊपर हार ना मानने की जो जुस्तजू है. इफ यू हैव दैट, कि मैंने किसी बच्चे पे गिव बिल्कुल अप नहीं करना और मैंने ये नहीं हर करना. बच्चे को वो नहीं है, तो फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप में से कोई और जो भी पढ़ा रहा है और उसको मोहब्बत नहीं है ना अपनी पेशे से, आज छोड़ दें प्लीज. क्योंकि आप अपने साथ तो दूसरों बच्चों का बहुत नुकसान कर रहे हैं. नुकसान कर रहे. आप छोड़ एंड दें. दिस वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड दैट सी, आपके अंदर एक जैसे इफ फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश में बहुत अच्छी हैं, यू नो आपने मास्टर्स किया इंग्लिश में, या चले नहीं भी किया बट फॉर सम रीजन यू आर गिफ्टेड, बट आप वो एग्जीक्यूट ही अगर ना कर सकें तो फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं. जहीन तो बहुत से लोग होते हैं यू नो, बट देन इफ यू डोंट हैव दैट केपेबिलिटी कि आप उस चीज को कैसे एग्जीक्यूट कर सको, दूसरे के जहनों में बिठा सको, चाहे वो बिल्कुल छोटे बच्चे हों, चाहे प्री प्राइमरी हो, लोअर प्राइमरी, सेकेंडरी हो, यू नो यू हैव टू हैव दैट यू नो एक तरीका आपको आना चाहिए कि वो आप अपने दिमाग से कैसे दूसरे में ट्रांसफर करते हो. बहुत सिंपल सा ये, इसका मैं वो एनालॉजी दूंगी कि एक अच्छा ड्राइवर होने का मकसद कतन ये नहीं कि आप किसी और को गाड़ी चलाना सिखा सकें. ऑफ उसके लिए कोर्स, बहुत बिल्कुल, बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारी पेशेंस और बहुत सारी एग्जैक्टली, जरूरत होती है, और वो डूज हिम्मत. एंड डोंट्स. बिल्कुल. अच्छा, हिना बिल्कुल, राष्ट्री इज ऑल्सो टीचर. वो कह रही है कि ओके मैम. एम्पथी होनी चाहिए एक टीचर में. सर्वत, एम्पथी का लफ्ज का क्या थोड़ा सा डिफाइन कर दो अगर आप. सी, एम्पथी मेरे लिए आई वुड से दैट एम्पथी वुड शुड शुड कम फ्रॉम बोथ साइड्स. यू नो आप एज एन एम्प्लॉई एंड योर एम्प्लॉयर, द पीपल यू आर फेसिंग, वो आई थिंक वो सबकी एम्पथीज मिलाकर अगर हम एक्सपेक्ट करें कि एक एक प्रोडक्ट निकलेगा. यू नो, सो एम्पथी इज नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू टीच, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो यू शुड ऑल्सो एम्पथाइज विथ मी. अगर आप मेरी बॉस हैं, यू नो सो इट हैज एम्पथी. यू नो आई थिंक इट गोज हैंड इन हैंड विद एवरी वन, यू एज माई बॉस एंड मी हु इज वर्किंग फॉर यू एंड देन द पेरेंट. हम लोग ये लोग सब मिलके अगर एम्पथाइज नहीं करेंगे तो आई थिंक हम बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते. सो एम्पथी, यस, प्लेज अ वेरी मेजर रोल. तो एम्पथी बेसिकली दो लफ्ज हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं. मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं. एक लफ्ज है सिंपथी और एक लफ्ज सिंपथी होता और एक है है एम्पथी. सिंपथी. सही, वो होती है कि आप किसी को देखो और आप अफसोस करो कि हाय हाँ बेचारा, हाय बिल्कुल, बेचारी, ओ बेचार. देखो ये गरीब है, ओ बेचारा भूखा है. तो
इसको कहते हैं किसी पे या अफसोस करना, एम्पथी बिल का तरस मतलब, खाना। हाँ तरस आना, एम्पथी का मतलब ये होता है कि आप उस इंसान की जगह में अपने आप को रख के सोचो कि मैं रखो इस बिल्कुल जगह बिल्कुल दोबारा होती तो मुझे कैसे बिल्कुल फील होता। तो ये जो है ना राजनीति की एग्जैक्टली कोशिश करिए टीचर के लिए एम्पथी इसलिए जरूरत है क्योंकि आपको बच्चे की पोजीशन पे लेवल पे आके उसकी तरह सोचना पड़ता है और उसकी तरह पड़ता समझना है पड़ता है और बच्चे की तरह महसूस करना पड़ता है तभी आप उस बच्चे के साथ आगे चल सकते हैं। तो आई गेस दैट्स व्हाट एंड अनदर एम्पथी। थिंग इज यस एंड विद एम्पथी व्हाट आई मेंट वाज दैट वही कह देते हैं ना कि आप इतने छोटे से बच्चे को नहीं संभाल सकी या यू नो ये मिडिल एज बच्चा है ये तो कोई एज मुश्किल नहीं है। तो जैसे इफ अ बॉस कम्स टू मी एंड टेल्स मी कि ये तुमने नहीं कर सकी यू नो सो दैट दैट पर्सन हैज टू कम इन माई प्लेस एंड अंडरस्टैंड। अ पेरेंट राइट ऑल्सो हैज टू कम इन माई प्लेस आई शुड गो इन द पेरेंट्स प्लेस टू अंडरस्टैंड। तो वो अगर हम एक दूसरे के साथ एम्पथाइज नहीं करेंगे तो वो जो वो बच्चा है हमारा सब्जेक्ट वो कभी भी फ्लरिश नहीं कर सकेगा। और मुझे लगता है कि ये जो COVID-19 का सिलसिला शुरू हुआ है और जो बच्चे स्कूल जा रहे थे छोटे स्पेशली, आई जो माँ बाप सुन रहे हैं आई थिंक आप 100% अग्री करेंगे कि आज बैठ के इन दिनों से आपको एहसास हुआ होगा कि एक जो प्री स्कूल या स्कूल टीचर होती है वो जो 2-3 घंटे आपके बच्चे को किस तरह संभालते हैं और कैसे ट्रेन करते हैं, एग्जैक्टली आपको ये उन रियलाइज हुआ होगा कि कितना मुश्किल और कितना पेशेंस वाला काम है। सो आई फील कि दिस इज द बिल्कुल राइट टाइम, अल्लाह ने हर चीज का एक कोई जरिया बनाया होता है फॉर टीचर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मुझे लगता है पेरेंट्स अब इस चीज को अप्रिशिएट करते होंगे। रियलाइज करेंगे तो बहुत बिल्कुल से बिल्कुल लोगों ने इसको ज्वाइन किया है। आतिफ चौकसी कह रहे हैं सलाम हाउ आर यू, हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वकार शुएब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। तमाम लोग जो सलाम कर रहे हैं उनको बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम हम कहते हैं। सरबत आमिर अरमान कह रहे हैं एक दो क्वेश्चन भी इसके साथ साथ दे लेते हैं। जीशान खान ने हमें ज्वाइन किया है, यूसुफ मुनीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सवालात का सिलसिला चल रहा है। सवाल आमिर अरमान का ये है कि फॉर फाइंडिंग अ गुड स्कूल इन पाकिस्तान एज अ पेरेंट व्हाट वी हैव टू डू, गिव अस सम टिप टू ऑल ऑफ अस। बहुत अच्छा सवाल किया क्योंकि मैं अगला सवाल ये पूछने वाली थी जो हम अपने इंटरव्यूज में करते हैं कि हाउ डू यू नो कि ये स्कूल मेरे बच्चे के लिए ठीक है, वो कौन से 2-3 पॉइंट है। एग्जैक्टली स्टार्ट करो सरवत। मैं आई कैन ऐड टू इट, हिना इज वाचिंग अस, शी इज अ बहुत सारे टीचर, लोगों ने आप सब भी ज्वाइन ऐड किया। करें इस पे हिना प्लीज। बट सरवत प्लीज सी आई फील एक पेरेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो यू नो प्री स्कूल एक छोटे एनवायरनमेंट में हो दैट दैट शुड बी द मोस्ट प्रेफरेबल। आजकल पेरेंट्स की बहुत शिकायत होती बिल्कुल है कि इतनी छोटी सी जगह है और इतना छोटा सा ये वो। तो आई टेल द पेरेंट्स के ये तो अच्छी बात है, अ प्री स्कूल हैज टू बी इन अ स्मॉलर एनवायरनमेंट यू नो कि बच्चा उसमें यू नो एक नई जगह पर आता है, क्लोजली निटेड होते हैं सब लोग, क्लासेस होती हैं, सो देयर इज नथिंग लाइक इट। अ प्री स्कूल यू नो छोटी सी जगह हो, जाहिर अच्छी जगह हो, सब कुछ वेल सेट हो। आई फील थोड़ा सा जाहिर एक बैकग्राउंड चेक होता है। देर क्लासेस आर न्यू प्री स्कूल्स। छोटा हाँ बिल्डिंग थोड़ी छोटी कोजी सी होनी चाहिए क्योंकि बच्चा जी घर से निकल के आता है तो घर फील होना चाहिए बिल्कुल वो एकदम बड़ी बिल्कुल सी। एंड नो बिल्कुल और छोटी जगह यू नो एवरीथिंग हैज टू बी चाइल्ड प्रूफ, चाइल्ड फ्रेंडली। ये चीजें भी जहन में रखनी पड़ती हैं कि ज्यादा सीढ़ियां ना हो, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो यू नो। तो वो स्ट्रक्चर भी बहुत मैटर करता है एक स्कूल का। फिर जाहिर है हम किसी भी प्री स्कूल में जाते हैं तो हम 10 लोगों से पूछते हैं कि तुमने सुना है स्कूल के बारे में, कैसा है, ये है वो है। सो एवरी स्कूल आई फील विच इज हियर हैज अ गुड रेप्यूटेशन। सो आई फील अ गुड रेप्यूटेशन। आई आई डोंट थिंक द हाँ नंबर ऑफ ईयर्स रियली काउंट कि कोई 10 साल पुराना या 15 साल पुराना स्कूल है। नो इवन न्यू स्कूल्स आर डूइंग रियली रियली वेल। सो आई फील दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट मुझे मैटर। लगता है नए स्कूल थोड़े बेहतर और भी इसलिए होते हैं क्योंकि जब नई कोई चीज खोलते हैं तो आप उसमें अपना 500% एनर्जी और वो डालते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यू हैव द स्कोप टू कीप चेंजिंग एंड एडिंग थिंग्स बिकॉज आपको आप यू ग्रो विद आपका बच्चा और सिस्टम साथ साथ ग्रो हो रहा होता है। एंड आई थिंक छोटे बिल्कुल छोटे बिल्कुल मामले में बच्चा सेफ और प्रोटेक्टेड फील करता है। पर मैं थोड़ा ऐड कर दूँ बातें, उन्होंने बोला कि आप ये कि स्कूल का स्कूल छोटा हो छोटे बच्चों के लिए, छोटा आप एनवायरमेंट चेक करें बच्चे का, आप ये चेक करें कि वो सेफ है बच्चे के लिए, फिर लॉजिस्टिकली बिल्कुल सर्वाइव। ऑल्सो आमिर अरमान आपने ये चेक करना है कि स्कूल विजिट करके फैकल्टी से या मैनेजमेंट से आपको स्कूल के कल्चर का अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सैडली हमें कहते हैं ना बर्गर कल्चर,
ये है एक कल्चर और ये है हमारी हमारी सोसाइटी का हिस्सा, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। जी आप अपने जी घर के कल्चर, जो आपके नॉर्म्स हैं अपने घर के, आपकी फैमिली के और स्कूल का जो नॉर्म्स है, वो जरूर चेक कर लें कि वो अलाइन है या नहीं है। तो ये बहुत आता है कि आपने फर्ज करो ये फेस्टिवल क्यों मनाया, या आप हमारे बच्चे को क्रिसमस के बारे में क्यों बता रहे हैं, ये हॉलोवीन के नाम वाला फेस्टिवल क्यों करे। तो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो उनकी चॉइस है क्योंकि वो उनका स्कूल है, उनका सिस्टम है। तो ये सारे सवाल जब आप स्कूल के एडमिशन के लिए जाएं, और अगर आप थोड़ा रिलीजियस बैकग्राउंड से हैं या आप कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से, वो भी बिल्कुल ठीक है, वो आपकी चॉइस है। तो ये जरा कॉन्वर्जेशन जरूर स्ट्राइक किया करें मैनेजमेंट के साथ और फैकल्टी के साथ कि स्कूल का कल्चर और आपके घर का कल्चर अलाइन है, एक साथ एक माइंड सेट है या नहीं। So I think that also बिल्कुल, that is also important. बहुत सारे लोगों ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, तौसीफ डाडा ने हमें ज्वाइन किया है, काजिम हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है, बुशरा फैसल, तमाम लोग सलाम कह रहे हैं, सरवत आपको भी कह रहे हैं, हमें भी कह रहे हैं, फहाद वली ने हमें सलाम, तो फवाद अनवर ने ज्वाइन किया है, मीर फवाद बलोच थैंक यू सो मच, रुमीना जुनैद ने हमें ज्वाइन किया है, हमजा मुश्ताक डार वाला कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वालेकुम अस्सलाम, सारा मुस्तनसर हमारे साथ हैं, ताहिर असलम साथ हैं, उमर कैस्पर, तमाम दोस्त यार, तमाम फैमिली, तमाम हमारे जो जो देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, तमाम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हैप्पी सिंह, सस्त्री अकाल पाजी, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। तैखुम ने हमें ज्वाइन किया है, तैखुम मेरी जान, कैसे हो, ठीक ठाक हो, खैरियत से हो। बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया है और आप तमाम लोगों का ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्काश खान जरूर कह रहे हैं सेहत और एजुकेशन और लाइफस्टाइल के हवाले से तीनों टॉपिक तो नहीं चल रहे, लेकिन एजुकेशन के ऊपर से हम बात करें। हमारे साथ एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है सरवत अहमद, बड़ी कमाल की एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत कमाल की बातें उन्होंने हमें बताई। वक्कास खान जदूम का एक सवाल है कि चेहरे पर बार बार खारिश वाले दाने निकल आते हैं तो कोई इलाज बताएं। तो एजुकेशन का टॉपिक है, इसके साथ साथ एक रेमेडी बता देता हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए कि चेहरे पर जो खारिश वाले दाने निकलते हैं उसकी बहुत सारी वजूहत होती है, और सबसे जो मेन वजह जो है वो ऑयली स्किन है। अगर उससे बचना चाहते हैं तो एक छोटा सा बोल आपने लेना, एक छोटा सा प्याला लें, उसके अंदर आपने एक टेबलस्पून दही का ऐड करना है और उसके साथ साथ एक टेबलस्पून शहद का ऐड करना है। तो इन दोनों को मिक्स करें, लगाएं 20 मिनट तक के लिए, छोड़ दें 20 मिनट के बाद, वॉश ऑफ करें, दिन में 2 दफा इस्तेमाल करें और 1 हफ्ते तक लगातार इस्तेमाल करें, देखें कैसा आपको महसूस होता है, जैसे कोई जादू हो गया और खारिश भी गायब हो जाएगी और दाने भी जाने लगेंगे। उसके साथ मैं तस्लीम को कहूंगा अगर कुछ सवाल हैं तो प्लीज ले। काफी सारे लोग हैं, हाउ कैन अ गुड टीचर बी अ गुड मदर एंड अ वाइफ, जिनके का एम एस कुरैश पूछ रहे हैं। आपको बेहतर इस चीज को कौन जानता होगा कि यू आर मैरिड टू अ वर्किंग वुमन हु वाज एन एक्सट्रीमली गुड टीचर एंड अ वेरी गुड मदर, एंड आई थिंक शी इज अ वेरी 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 कंपैटिबल वाइफ। तो आपके सवालों का जवाब आपके खुद के पास होना चाहिए, वो सुनने में पता नहीं। दूसरी बात है, बुशरा फैसल कहती है एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे बुशरा मैं आपकी बात से ऐड कर दूं, तीन तीन उस्ताद होते हैं बच्चे की जिंदगी में, माँ बाप, उसका टीचर और तीसरा होता है एनवायरनमेंट। तो बच्चा जितना माहौल से सीखता है उतना ही टीचर से सीखता है, उतना ही माँ बाप से सीखता है। आप अपने बच्चों को अच्छा माहौल, स्कूल पे सिर्फ ना डिपेंड करें, अपने घर घरों में भी अच्छा माहौल दें, इस पर जरूर गौर करें कि आपका बच्चा किसके साथ उठ रहा बैठ रहा है, आपका जो डोमेस्टिक स्टाफ है वो किस तरह की जबान में गुफ्तगू कर रहा है, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, दोस्त कौन से हैं आपके बच्चों के, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। और अभी शुरू की एज में से अगर आप अपने बच्चों को अच्छा एक्सपोजर देंगे लोगों का, दोस्तों का, आगे जाके वो अच्छे दोस्त बनाएगा। तो ये बिकॉज स्कूल, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर दैट स्कूल तो बच्चा 24 घंटे में से जो एटलीस्ट चले 12 घंटे जो बच्चा जागता है, 14 घंटे जागता है, डिपेंड्स ऑन एवरीवन्स एनवायरनमेंट इन द हाउस। तो 2 घंटे मैक्सिमम, 3 घंटे, 4 घंटे एक बच्चा अगर हम प्री स्कूल को मद्देनजर रखें तो वो होता है, तो सबसे ज्यादा जो बड़ा चंक है वो घर में स्पेंड होता है। यू नो, सिंस द मोमेंट अ चाइल्ड इज सिटिंग इन द कार गोइंग, मैं यू नो पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बचपन से या बच्चे के दिमाग में वो चीज नहीं डालें। यू नो देर आर वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस के आज स्कूल में किसी ने मारा तो नहीं, किसी ने कुछ बोला तो नहीं, टीचर ने डांटा तो नहीं, यू नो दीज आर दोस क्वेश्चंस दैट यू नो दैट वो एक साइकिल बच्चे के दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। यू नो यू शुड रादर आस्क हाउ योर डे वाज, यू नो इफ यू डिड समथिंग फन विद योर फ्रेंड्स, आज कुछ स्पेशल किया, आज क्या अच्छा किया। सो बिल्कुल, बट आई विल टेक यू, वी विल डेफिनेटली टेक यू ऑनलाइन अगेन, दिस इज अनदर होल टॉपिक, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपको बच्चे से अगर इंफॉर्मेशन निकलवानी है जो बच्चे अक्सर शेयर नहीं करते,
वो किस तरह की सवाल है, वो एक डॉक्यूमेंट है जो मेरे पास रेडी है, वो जरूर हम पे जी आप शेयर करेंगे कि बच्चे से किस तरह पूछना पूछना चाहिए ये चाहिए। सवाल। अच्छा, बिल्कुल सोए पंजाब बिल्कुल वाले कहते हैं, दोस्त दोस्त कैसे हो, ठीक ठाक हो, खैरियत से? बहुत सारे लोग इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सरबत अहमद बड़ी कमाल कमाल की बातें बता रही है। तो सरबत, एजुकेशन के बारे से तो बात हो गई, और मजीद थोड़ी करेंगे, और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो कभी खत्म नहीं होगा और ये चलता ही चला जाएगा। बिल्कुल तो इसके हवाले से नेक्स्ट वीक एक प्रोग्राम रखेंगे जब तमाम एजुकेशनर्स हमारे पास यहाँ मौजूद होंगे, तो तमाम लोगों को हम लाइव लेंगे, तमाम लोगों का जो एक मशवरा है इसके हवाले से कि एजुकेशन कहाँ जा रहा है, एजुकेशन की सीढ़ी कौन सी कहाँ जानी चाहिए, किधर जानी चाहिए, कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, ये तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। सेहत और लाइफस्टाइल के हवाले से मैं कुछ सवाल पूछूंगा, तो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कितनी जरूरी है तमाम चीजों को कंटिन्यू रखने के लिए, जरा इसके बारे में बताएं, और खुद अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखनी है इस रमजान में और इस कोरोना जो लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है उसके अंदर। You're asking the wrong person about health and lifestyle. No, the thing is that you know, thodi si bhi, jaise I was not well since the past 2 days, but you know, जब आपकी खुद पे पड़ती है एंड यू नो यूर अनवेल, तो सबसे पहले मुझे यही ख्याल आता है कि भाई हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एंड देन यू नो विद ग्रोइंग एज वी शुड एब्सोल्युटली कट डाउन ऑन द जंक। आई नो तस्नीम वुड बी सेइंग दैट आई एम एन एब्सोल्युट रॉन्ग पर्सन टू से ऑल दैट, बट यस, ईटिंग हेल्दी, आप अपने अपने ऊपर खुद पर एक एहसान करते हैं, एक मेहरबानी करते हैं, बिकॉज वट एवर यू गिव टू योर सेल्फ वही निकलेगा। You know, so with growing age, I feel exercise is very important. I come from a background जहाँ पे मेरे घर में बहुत एक health freak के साथ मैं रहती हूँ, and जो मुझे कहते रहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकती, but then you know I tell him that इरादा एक दफा कर लूँ बस वो इरादा ही नहीं होता, but I feel with growing age it is very 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 important that you know you do something for yourself. I think मैं आप लोगों का ही program देख रही थी कुछ दिन पहले, दैट तस्नीम वाज सेइंग दैट एट लीस्ट यू नो यू शुड गिव एन आवर टू एब्सोल्युटली एंड ओनली योरसेल्फ इन अ डे। आई फील आप 10 मिनट से शुरू करें, यू नो स्टार्ट गिविंग 10 मिनट्स टू योरसेल्फ, उस 10 मिनट्स में इवन इफ यू स्टार्ट टेकिंग अ पावर नैप, यू नो दैट दैट इज समथिंग यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ। यू नो मेक अ हेल्दी ड्रिंक, लाइक आप लोगों का वो ग्रीन जूस था, दैट दैट टर्न्ड आउट टू बी रियली गुड, ऑल्दो आई डिड नॉट ट्राई ऑल द इंग्रेडिएंट्स बट आई ट्राइड सम जो रेडिली अवेलेबल थे। You know, and then आपको अंदर से भी अच्छा लगता है that you ended up doing something good for yourself, to yourself. You know, so I feel that is very, very important. A healthy lifestyle is a must. और टीचर्स के लिए इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है, especially छोटे बच्चों के लिए, इसमें बहुत फिजिकल एनर्जी चाहिए होती है। और बहुत ज्यादा, बिल्कुल। मुझे पता है जब मैंने एक जमाने में, मैं स्कूल का नाम तो नहीं लूंगी, बहुत पढ़ाया, बहुत साल से टीचिंग, तो हमारे स्कूल की एक पॉलिसी होती थी, शायद सब लोगों को लगेगा कि ये बहुत जुल्म वाली पॉलिसी, लेकिन नहीं आई अग्री, हमारे क्लासरूम में चेयर्स टीचर्स की नहीं होती, टीचर्स वर नॉट अलाउड टू हैव चेयर्स। आई हैव टॉट फ्रॉम 8 o'clock टू 1 o'clock, जब से वो ब्रेक आपको मिलता है, लंच ब्रेक या कोई जिसमें आधा घंटा आप किताबें चेक करने का टाइम होता था, लेकिन बैठना इसलिए अलाउड नहीं होता था, अगर आप बैठ गए और बच्चों को छोड़ दिया आपने तो आप बच्चों को क्या ही सिखा दो। तो आपसे अपने टोस पे रहें और हर बच्चे के पास जाएं और उसकी हेल्प करें और एंगेज रहें, तो इसके लिए फिजिकली नहीं हो तो फिर आप टीचर, अच्छी टीचर नहीं बन सकते। नहीं, तो और छोटे बच्चों के साथ सर्वत इतना जी जी बोलो, उन टीचर्स के लिए क्या पैगाम एक पेश करना चाहेंगी जो क्लास में जाके बैठ जाती है और बच्चों पर ध्यान नहीं देती? मैं कहती हूँ आप छोड़ दें, अच्छा छोड़, आप जो वो ये वो जाली डॉक्टर और जाली टीचर, हाँ, दोनों इतने ही नुकसान करते हैं। मतलब आपने बच्चे की सारी जिंदगी, जो फाउंडेशन बिल्डिंग बनाने के लिए उसकी स्कैफोल्डिंग जरूरी होती है, अगर उसकी उसकी क्या बोलते हैं फाउंडेशन जो बुनियाद, बुनियाद तो गिर जाएगी, नहीं तो नहीं हाँ, नहीं बुनियाद नहीं अगर अच्छी बनाएंगे आगे जाके उससे सिर्फ रट्टे लगाने और उसने अच्छा काबिल इंसान नहीं बना। आई रिक्वेस्ट ऑल दोज वुमेन एंड मेन जो सिर्फ पैसों के लिए टीच कर रहे हैं और बैठ जाते हैं और सलमान सूरिया हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत से लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आशिम मलिक कह रहे हैं कि यू आर व्हाट यू ईट, तो बहुत अच्छी बात कही, जो हम खाते पीते हैं तो वो चीजें नजर आती है, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अपना सरबत, हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है, तो जाते जाते
एक सवाल है शुरू कर प्लीज देती हूँ, काइंडली. मिसेज रहमत तो पहले ओके टीचर, व्हाट अबाउट द टीचर्स, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू नो द डिफरेंस टीचर्स इन अ पर्टिकुलर स्कूल आर प्रोफेशनल इनफ टू टीच आवर चिल्ड्रन, इज देयर एनी प्रोफेशनल डिग्री और डिप्लोमा. और वो कह रही है मैंने देखा है कि लोग मैट्रिक करके इंटर्न करके जो है टीचिंग शुरू कर देते हैं, इसकी कोई मतलब तो इस पे क्या मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इज इट के टीचर ट्रेन हो, और टीचर ट्रेन है इसकी किस तरह पेरेंट्स पता कर सकते हैं कि टीचर जो है वो ट्रेन है. टीचर्स की यू आर टॉकिंग अबाउट द जो के वजाहत कर सकें पेरेंट्स, तो आई एम श्योर वो स्कूल जब आप एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं, यू नो फ्रॉम द प्रिंसिपल और हुएवर इज टेकिंग द पेरेंट्स इंटरव्यू के वो. और स्कूल बोलता भी है कि आप लोगों के जो भी सवाल आते हैं वो आप पूछें, यू नो, सो दैट इज द बेस्ट प्लेस एंड द बेस्ट टाइम एंड द बेस्ट पर्सन टू आस्क, जिससे आप पूछ सकते हैं कि जी आपकी टीचर्स की क्या क्वालिफिकेशन है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उन्होंने डिप्लोमा लिया है नहीं लिया है. सी आई विल टेल यू एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, द फर्स्ट प्री स्कूल दैट आई स्टार्टेड टीचिंग इन, दे डिड नॉट हैव अ टिपिकल टिपिकल वे, अ टिपिकल प्रोटोकॉल, दे डिड नॉट फॉलो इट. दे जस्ट वुड टेक अ डेमो फॉर 3 full days, उसमें वो आपको जज करते थे. जब मैं उस जगह चली गई, मैंने काम शुरू किया और टीचर्स आती थी, तब मुझे ये एहसास हुआ ऑफ हाउ क्लोजली एंड माइन्यूटली आई वॉज वॉच्ड, यू नो, बिकॉज जब आप उस सेटअप में होते हो तो आपको अंदाजा होता है हमसे इतना पूछा जाता था, हाउ वॉज शी विद द चाइल्ड. तो यू नो, अगर कोई एक कॉमेंट आता था कि यू नो वो उसको शायद हमें लगता है कि लैंग्वेज में मुश्किल हो, तो वो उस चीज को फॉरगो करते थे. वो कहते थे कि हमारे लिए प्राइम इम्पोर्टेंस जो है कि वो बॉन्डिंग कैसी थी बच्चे की टीचर से, टीचर की बच्चे से, बिकॉज दैट प्री स्कूल हैज अ बिग नेम. मैं नाम नहीं लूंगी उसका, बट हैड एंड स्टिल हैज अ वेरी बिग नेम. उनका ये था कि हम अगर फ्रेश लोगों को नहीं लेंगे, बट नॉट मेट्रिक एंड इंटर ऑफ कोर्स, बट हम नहीं लेंगे तो उनकी बिस्मिल्ला कहाँ से होगी, फ्रॉम वेयर विल दे स्टार्ट ऑफ. So the first 3 days were very, you know, a critical judgment or analysis hoti thi, and then a person was further given a chance to come in. ये सेवा तो किंडल में भी होता है कि 3 days demo होता है, but then again, बिल्कुल, बिल्कुल. रहमत, रहमत तो पहले. अच्छे जो स्कूल हैं, वो अपने टीचर्स को ongoing training कराते रहते हैं. कराते हैं, बिल्कुल. That's very very important. और ये इसका तो कोई आप किसी टीचर से जाके अपनी डिप्लोमा की सर्टिफिकेट नहीं मांग सकते, ये आपका राइट नहीं कर सकते. लेकिन आप जिस स्कूल को चूज करें उस वक्त आपको सारी छानबीन करके तसली करके फिर जब आपने चूज कर लिया ना, तो ये भी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने जिस स्कूल को चूज किया उसमें फेथ रखें, उस प्रोग्राम में, बिल्कुल, मैनेजमेंट में, उसके लोगों में आप भरोसा रखें और कॉन्फिडेंस रखें कि वो आपके बच्चे के साथ सही करें. छोटी छोटी चीजों पे आज यहाँ चोट लग गई है, ये तो आपने मेरे बच्चे को पानी नहीं पिलाया, अब मेरे बच्चे के साथ आप फेवरेटिज्म नहीं करें, ये सब छोटी 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 जहनों वाली बातों को छोड़ के भरोसा रख के टीचर्स पे भरोसा करें, स्कूल पे भरोसा करें, तो आपका बच्चा फ्लरिश करेगा, अच्छा ही होगा, आप भी सुकून. आई विल टेल यू दैट इज ऑल्सो एन आर्ट टू डील विद पेरेंट्स, उसके लिए भी टीचर्स को एक डिप्लोमा करवाना चाहिए, यू नो, टू डील विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेरेंट्स एंड टू सेटिस्फाई देम. ये भी एक ये एक कला होती है जो आई थिंक सब में नहीं होती, लेकिन ये कि दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लर्निंग नेवर स्टॉप्स. आई फील हमारा स्कूल जैसे ऑन गोइंग क्लासेस कोर्सेज करवाता रहता है, यू नो, लर्निंग नेवर स्टॉप्स फॉर अ पर्सन. चाहे आप मेडिसिन की फील्ड में देख लें, किसी भी फील्ड में देख लें, यू नो, अ पर्सन कॉन्स्टेंटली लर्निंग 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 लर्निंग. सो टीचर्स के लिए भी यही होता है. आज का एक आखिरी सवाल लेते हैं, और जुल्फिकार अहमद कुरैशी साहब ने पूछा है. उससे पहले ये बता दूं, आसिफ भैया कह रहे हैं हाउ टू डेवलप सिक्स पैक्स, तो आसिफ भाई इसके हवाले से आपको, आसिफ भाई पूछ रहे हैं सिक्स पैक कैसे बनाने, रमजान के हवाले से डाइट प्लान क्या है. तो आसिफ भाई हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया, इसके हवाले से जो हमारे शोज दूसरे चलते हैं उसमें इंशाल्लाह जरूर आपको बताएंगे और आपको मैसेज करके भी बता देंगे. उसके साथ साथ ही आज का आखिरी सवाल ये है जुल्फिकार अहमद कुरैशी साहब की जानिब से, सरवत इसका जवाब दीजिएगा. नाउ टीचिंग स्कूलिंग इज बिकमिंग वेरी बिजनेस ओरिएंटेड, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? I don't know, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. बिजनेस वो तो जिनके लिए ये बिजनेस होगा वो तो वो ही जाने कि उनका क्या मकसद है इस चीज के पीछे. बट आई फील हाँ, अगर आजकल ये चीज हो रही है तो एज लॉन्ग एज द बॉटम लाइन इज दैट वी द आउटपुट इज गुड एजुकेशन,
सो व्हाई नॉट, उनका बिजनेस चलता रहे, हमारी एजुकेशन चलती रहे. जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना स्कूलों में, वो अक्सर जो मैनेजमेंट होती है वो भी नहीं होती, उसके ऊपर भी इन्वेस्टर्स होते हैं. अच्छा. कोई भी काम में कोई इंसान खोलेगा, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है छोटे अच्छे स्कूलों में, बिल्कुल तो वो पैसा बिल्कुल. लगाने को एक्सपेक्ट करेंगे कि पैसा रिटर्न में आओ. ये एनजीओ वाले स्कूल डिफरेंट होते हैं, प्राइवेट स्कूल डिफरेंट होते हैं. वो आप वो उनका बिजनेस माइंड है, कुछ भी माइंड है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप प्रोग्राम आपके बच्चे के लिए अच्छा फिट है, आप भरोसा करते हैं स्कूल पे, तो टीचर्स और जो जो दूसरी मैनेजमेंट होती है वो अपना काम खुद भी करते हैं. बिजनेस तो जिनका है उनका है, और वो भी बिल्कुल, एज उनका बिजनेस चलता रहे और आपको आपके बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलती रहे, दैट्स नथिंग लाइक इट. बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से करे तो उनकी नीयत अच्छी नहीं है, वो बिजनेस करना होता है, बिल्कुल तो स्कूल इसलिए खोला कि वो चाहते हैं लेकिन बिल्कुल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एक बहुत बड़ा किरदार है, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा किरदार है. जो स्कूल खोल लेता है वो खोल लेता है, तो उसमें क्या समझती है तस्नीम, कितना बड़ा किरदार है एडमिनिस्ट्रेशन का. वो तमाम चीजें देख रहे हैं, तमाम चीजें चला रहे हैं, टीचर्स को देख रहे हैं, दूसरे जो लोग हैं स्कूल में काम करें उनको देख रहे हैं, तो उनका ये कहना था. एंड बहुत उनकी बात मैं दिल पे आई थिंक सोच के बैठी हूँ कि जो एडमिन होती है ना वो मेजबान होती है, और टीचर्स जो होती है वो मेहमान होती हैं. तो अगर अच्छा. आपकी ऐप की मेजबानी अगर अच्छी नहीं हुई तो फिर आप अपने मेहमानों को क्या खातिर करेंगे. सो आई थिंक एडमिन जो बैकबोन होती है बैकबोन स्कूल की, और आपकी एडमिनिस्ट्रेटर, आपकी प्रिंसिपल, आपकी वाइस प्रिंसिपल, वो अगर लर्नड नहीं है तो आप कितनी कोई अच्छे टीचर्स रखें आपका काम नहीं चलेगा, आपका काम नहीं चलेगा. सर्वत वक्त खत्म हो चुका है, जाते जाते बहुत सारे लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, जाते जाते कोई ऐसी अच्छी बात बताएं जो सबके दिलों में घर कर जाए. मैं बस यही कहना चाहूंगी, इफ यू वुड रिवॉल्व अराउंड द टॉपिक ऑफ एजुकेशन एंड स्पेशली द एरिया दैट आई कम फ्रॉम, दैट कभी भी अर्ली एजुकेशन को अंडर एस्टिमेट नहीं करें, उसे इतना गलत मत लें. यू नो, आप देखें अपने आसपास के एक्सपीरियंसेस से कि वो चीज़ कभी भी गलत साबित नहीं हुई है. सो आई फील वी शुड गिव अ लॉट ऑफ चांस टू अर्ली एजुकेशन, बिलीविंग इन अर्ली एजुकेशन, बिलीविंग इन द इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली एजुकेशन. एंड देन यू नो देर आर सो मेनी प्री स्कूल्स जो आपको प्रूव कर सकते हैं दैट येस, इफ यू पुट योर चाइल्ड इन अ स्कूल अर्ली तो आपने उसमें कोई गुनाह नहीं कर लिया. एंड यू नो आई फील अगर हम इस माइंडसेट को चेंज कर दें तो देन देयर इज नथिंग लाइक इट. एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अर्ली एजुकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है वो एक बार हम समझ लें तो आई थिंक वील बी इन अ मच बेटर प्लेस. थैंक यू सो मच सर्वत हमें ज्वाइन करने का. थैंक यू सो मच. उन तमाम लोगों को याद करना चाहूंगा जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, उन तमाम लोगों से माजरत भी करना चाहूंगा जिनके मैं नाम ना ले सका क्योंकि बहुत ज्यादा तमाम चीजें चल रही होती हैं, और तो और उन तमाम लोगों से फिर माजरत करना चाहूंगा जिनके सवालत हम नहीं ले सके. नेक्स्ट वीक इसके हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स होने वाले हैं, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे. तो सर्वत थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. इंशाल्लाह फिर कभी आपसे फिर हम इसी तरह गुफ्तगू का ये अमल चलाए रखेंगे. जो आपने आज जो बातें सिखाई हमें और जो बातें बताई, हैट्स ऑफ टू यू. आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तमाम टीचर्स, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग. तो मेरे लिए ये फखर की बात है कि आप जैसे लोग यहाँ ज्वाइन करते हैं हमें, और हम दोनों के लिए बहुत फखर की यही बात है. ऐसे ही हमारे साथ जुड़ा करें, ऐसे ही लोगों को एंटरटेन करता रहा करें, और ऐसे ही लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते रहा करें. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. अच्छा, सर्वत हमारे साथ थी. उम्मीद करता हूँ बहुत सारी उन्होंने बातें जो बताई, जो समझ आई, जो बहुत अच्छी अच्छी बातें थी. हमारे पास भी वक्त बहुत कम है, फिर से माजरत करना चाहूंगा जिनके हम सवालात नहीं ले सके. बिल्कुल, सवालात के जवाब तो इसी तरह चलते रहेंगे, जवाब हम देते रहेंगे. जाते जाते तस्नीम को एक ऐसी अच्छी बात जो आप तमाम लोगों से कहना चाहती हैं. बस आज का शो बहुत अच्छा रहा, इंटरैक्टिव रहा. आई थिंक एजुकेशन, हेल्थ और फिटनेस ऐसे टॉपिक्स हैं जिस जितनी बात की जाए कम है. ऐसे ही पार्टिसिपेट करें, ऐसे सवाल पूछें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर में और बच्चों के लिए. सीखना तो कभी खत्म नहीं होता, किसी से भी हम कुछ भी सीखें. एक छोटा बच्चा भी हमें कुछ ना कुछ सिखा जाता है. और बस इसी तरीके से सजेस्ट करते रहें कि और किस चीजों पे आप हमसे गुफ्तगू करना पसंद करेंगे, तो हम वही टॉपिक पे हम बात करेंगे. कल हमें ज्वाइन करेंगे रात 11 बजे जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब. जी हाँ, बड़े कमाल के पॉलिटिशियन है, एक बड़ा एक वक्त गुजारा पाकिस्तान का, बहुत अच्छा नाम. उनसे गुफ्तगू करेंगे, देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि सेहत, एजुकेशन और
लाइफस्टाइल के हवाले से उनका क्या कहना है। तो बहुत कमाल का पावर पैक सेशन कल उनके साथ रहेगा, हमें कल इंशाल्लाह आप ज्वाइन करेंगे इसी उम्मीद के साथ, इसी अपनेपन के साथ कि जी हाँ हमें भी यही हो कि हाँ आप हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कुछ अच्छा ही हम सीखते हैं, कुछ अच्छा ही हम समझते हैं। तो कल आप तमाम लोगों से फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी रात 11 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जजाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।